यदि ध्यान नहीं लगता है तो यह भी एक शुरू की बात है कि चंचल मन उससे थोड़ा शांत होता है। और ये तो बता ही दिया कि इतनी मन की शक्ति अपरिमित है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। अनासक्ति, आसक्ति नहीं होना, बच्चे तो नहीं कर सकते। हम कई बार भोजन करते हैं, पेट भरा है, उसके बाद भी कोई मीठी चीज आई तो खा लेते हैं। हम जब तरुण थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, तो हम ऐसा कहते थे, अरे कितना भी पेट भरा हो, बस तो कितनी भी खचाखच भरी हो, फिर भी कंडक्टर की सीट तो खाली होती है ना। वैसे ही हमारा कुछ भी नहीं खाएंगे, पर मीठा है तो खा लेंगे। तो इस प्रकार से कई बार द्विधा होती है, ये करूं नहीं करूं, पर उससे मैंने सोचा कि नहीं, ये करने से इसको फायदा होगा। आपस में जो रिश्ते हैं एक दूसरे के, वो स्नेह वाले होने चाहिए। आजकल पैसा प्रधान होने से सब दूर भाई भाई का ही दुश्मन हुआ है, तो इसको तो थोड़ा सोचते, हमारे सबके पास बुद्धि है तो सकारात्मक सोच के बाद, उसको थोड़ा कम मिला प्रॉपर्टी में, उसे ज़्यादा मिला, तो ये तो हम सोच सकते हैं, ये व्यवहारिक बात। तो अनासक्ति की बात है, फिर इनको ही हम वश में करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से अच्छी बातें करना और कर्मेंद्रियों के द्वारा अपने आप को हम करेंगे काम। जब हमारा मन तय कर लेगा तो हम सब काम हाथ से करेंगे। कहीं जाना है, तीर्थ स्थान पर जाना, ये क्या है, अभी उज्जैन से हमारी सब ट्रेन भरी रहती है, जो देखो सब महाकाल के लिए आते हैं, ओंकारेश्वर के लिए आते हैं। तो बातचीत में उनके जो संस्कार हुए हैं, तो इस सब में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, वो संस्कारों से होती है। तो वही पहले वाला, जो मन करता है वो करेंगे, खाने से होता है ऐसा नहीं, पहले मन बनाना पड़ता है और उसके अनुसार फिर होता है। तो विकास के जो आयाम है वह है एकाग्रता। एकाग्रता हम कर सकते हैं, हमने तय कर लिया तो एक ही विषय के बारे में दिन भर सोचना। अभी वैदिक गणित के हमारे इंदौर के प्रमुख हैं, 75 साल के हैं, अब उनका फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल भी रहे, तो उनका अभी 2-3 सालों में वैदिक गणित से संपर्क आया। तो वे कह रहे थे कि इसका जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, कल हमने परसों गणित दिवस मनाया, तो उन्होंने बच्चों से ये कहा, मैं किसी भी बात को लेकर पेपर पढ़ता हूँ, सब लोग टीवी देख रहे हैं, ये करते हैं, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर में पत्नी बोलती है कि अब 11 बज गए, सो जाओ। सुबह मैं सो जाता हूँ शांति से, सुबह उठता हूँ तो मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। ये शारीरिक जो अपने आप चलने वाली क्रिया है ना, हम जैसे कहते हैं कि हमने जो अनुभव किया सोचा वो दिमाग में हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए किसी एक विषय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। अब शांति कैसे आएगी, तो हम धीरज रखेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत लोग होते हैं जिनको देखकर मनुष्य प्रसन्न होता है या वो प्रसन्न रहते हैं, इसको अभ्यास से लाना पड़ेगा। जैसे गुस्सा है तो स्वाभाविक रूप से हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम थोड़ा चुप रहें, सामने वाले की बात अच्छी भी न लगे या उसको किस प्रकार से कहें। एक राष्ट्र सेविका समिति के बौद्धिक प्रमुख अखिल भारती थी, उन्होंने कहा कि एक बार जो प्रमुख संचालिका थी वो सामने बैठी थी और मैंने भाषण दिया, तो उन्होंने कहा, अरे तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, पर उसमें एक और जोड़ देती तो अच्छा रहता। तो सामने वाले की को प्रोत्साहन देने वाली बात, उसको बढ़ाने के बाद उसको, तो ये हम कोई भी कर सकता है तय करके। अनासक्ति मैंने बता ही दिया। द्वंद्वों से छुटकारा, तो हर्ष होता है, शोक होता है, भला बुरा होता है, ऐसा द्विधा जो भाव होता है। तो धीरे धीरे कोई हमारा बहुत आत्मीय भी होता है, माँ पिताजी हो, बच्चा हो, किसी घर में से दुर्घटना हो जाती है, शांत हो जाता है, उस समय तो बहुत उद्वेलित होता है, फिर लगता है सब जीवन बर्बाद है वगैरह, पर समय के साथ वो हो जाता है। पर कुछ लोग जो होते हैं वो इतने संतुलित होते हैं कि उस समय तो करते हैं, फिर उसमें से उभर के आते हैं। सद्गुण सदाचार के बारे में मैंने बताया, तो कैसे सद्गुण तो त्रिकालावादी सत्य है, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते वो सद्गुण कहलाते हैं।
सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, गुरुजनों की सेवा है, ईश्वर भक्ति है, शास्त्रानुकूल कर्मों का कर्मों को ही करना सदाचार कहता है। अब ये कैसे आएंगे, आपने कहा व्यवहार की बात भी, तो मानसिक विकास के कारक तत्व ऐसे कहलाते हैं, योगाभ्यास के द्वारा मन वश होता है। दूसरी बात संगीत, आपको पता है आजकल कैंसर के ऊपर भी संगीतोपचार होता है, इंदौर में भी एक ऐसे दो लोग हैं वो संगीत के द्वारा कैंसर का उपचार करते हैं। तो ये ध्वनि का तरंगों का असर तो होता ही है, तो हम अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी गीत अच्छा गाया तो हम सब एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। तो ऐसा कहा है कि दूसरा है योगाभ्यास के बाद संगीतमय वातावरण में रहे, उसमें विशेष करके यदि आप लोक संगीत सुनते हैं, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो इसका आपके व्यवहार पर असर होता है। भोजन का आई गया, भजन के साथ ही सत्संग से भी मन शांत होता है। एक और बात, स्वाध्याय करने की आदत डालनी। यदि हमने स्वाध्याय किया, कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कुछ सोने के पहले कुछ किताब पढ़ते हैं, तो यदि स्वाध्याय करते हैं तो उससे भी मन विकसित होता है। सेवा कार्य, क्योंकि सेवा में क्या है, सेवा जो है हम किसी को कुछ, बूढ़ों की सेवा करते हैं, विकलांगों की सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं, कुछ देते हैं, उसमें हमें मिलता कुछ नहीं है, स्वार्थ कतई नहीं है। आपने सोचा नहीं होगा, केवल निस्वार्थता का ही गुण उसमें से आता है, वो भी मन को कंट्रोल करेगा, इसलिए निस्वार्थता की बात हुई। तो आप जो सेवा कार्य करते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा, हो सकता है उसमें आपका दम हो, आपको लगता है मेरे पास इतना सारा है, ये फालतू है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ अहमभाव नहीं भी होगा, अरे कुछ काम का नहीं इसलिए दे दिया, पर वो निस्वार्थता की बात उसमें सेवा कार्य से फिर नैतिक शिक्षा भी है। तो ये जो संकल्पना है मैंने आपको बताया ही है, विकारों से इससे मुक्ति होती है, एक निरासक्त मन कहलाता है, शांत मन, और इन्हीं के ये जो संकल्पना जितने काम हमने व्यवहार में किए उससे चंचल मन पर संयम होता है, एकाग्रता होती है, विकारों से मुक्ति होती है, निरासक्त मन होता है, शांत होता है मन, स्वाध्याय से संघर्ष नहीं होता है, तनाव रहित मन संगीत से होता है, सकारात्मक मन में दया, करुणा, स्नेह, कृतज्ञता, अनुकंपा, मित्रता आदि सब ये सकारात्मक ये गुण है। और माता पिता, वृद्ध, रुग्ण, दरिद्र, वृक्ष की सेवा करना, और इसलिए एक और बात, हमेशा सकारात्मक यदि विचार रखिए तो कल्याण में कहा गया है, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच, काम, यह एक प्रकार की बैंक में आप जमा पूंजी है, आपका बैंक बैलेंस है, और आपको जब जरूरत पड़ेगी जीवन में वो काम आते हैं। जैसे आप पैसे निकालते हो उसी प्रकार से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने कौन सा अच्छा काम किया है सकारात्मक वृत्ति से, तो वो आपको जीवन में कठिन समय में काम आएगा, ये आपका बैंक बैलेंस है। बहुत धन्यवाद। किस तरह से, और कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है और वो सही भी होती है, बिल्कुल सही आपका। तो हाँ जी, तो ये मतलब मनोमय कोश से रिलेटेड है, और कई बार जो होता है वो आपको पता चल रहा होता है कि ऐसे 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 होगा, तो ये कैसे होता है? मैंने तो ध्यान लगाया नहीं है, पर जो आध्यात्मिकता होती है या जो लोग गुरु के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो वो उनके एक लिंक लगती है, और ये इंट्यूशन बिल्कुल सही बात है। मैंने जो वैदिक गणित का हमारे इंदौर के उनका उदाहरण लिया, तो उनका ये कहना है कि वो जो सुबह उठ के उसका मुझे जवाब मिल जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्यूशन। मैं तो कोई योग नहीं करती हूँ, मतलब कोई नहीं, तो ये आपके सत्कर्मों का जो संचय है, ये आप भी बोले, पर मैंने जितना समझा है कि ये हमारे जो सत्कर्म है, पूर्व पुण्याई है, ये जो पुण्याई भी क्या है, अच्छे काम करना, वो सब संचित होता है,
मैंने जो अंत में बोला है कल्याण में ये लिखा है, तो वो उसका प्रतिबिंब है। तो ये सबके लिए नहीं होता है, आपके मन में ऐसा होगा, ऐसा बाकी लोगों को नहीं होता है, कुछ ही लोगों को होता है, तो वो उतनी उनकी स्टॉक। मैडम जवाब ये है, रामचरितमानस क्रियमान संचित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। मैडम सुबह जी, हाँ जी, प्रारब्ध क्रियमान संचित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। जब ये बिल्कुल इन पे से जो मन रूपी दर्पण पे से जो वो खत्म हो जाता है ना कालुष्य, तब जाकर के स्थित प्रज्ञा को वो चीजें दिखाई दे रही है। देवेंद्र गुप्ता जी प्रबंध समिति के जो चेयरमैन हैं और प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण कांत जी की जो नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा संपन्न बुद्धि से युक्त उनकी जो दूरदृष्टि है उसको लेकर के ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं कि चदावली का जो हमारा आदर्श गांव है और हमारी शिष्या उसकी एक आदर्श सरपंच पूरे हरियाणा में प्रस्थापित हुई है और आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी को भी 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। उस ग्राम को गोद हमारे अग्रवाल महाविद्यालय ने लिया है, इसके लिए ताली बजाई जाए। ये प्रयोग के आधार पर ये हम बताना चाहते हैं। आदरणीय जयपाल जी जो पूरे कोऑर्डिनेटर हैं और पूर्व में विनोद राठी जी, अब तो ईश्वरीय कृपा से प्रयोग की बात बताए जो विनोद राठी जी हैं कहीं वो तो खड़े हो जाओगे और सुभाष की वर्तमान में ये लोगों के और पूरी तमाम विद्यार्थियों के द्वारा एनएसएस के द्वारा वाईआरसी के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं कि नशे पर काम किया गया। जो प्रयोग की बात चल रही है, नशा अन्नमय कोष की बात चल रही है, यहां पर हमारी बात अन्नमय कोष से लेकर आनंदमय कोष की बात चल रही है कि हमारे बच्चों ने हमारे प्रोफेसर ने जैसे जयपाल जी है, सुभाष जी है, विनोद राठी जी है और प्राचार्य जी की तो पूरी सतत प्रेरणा है, उन तमाम लोगों ने जिस तरीका से कार्य किया है हमारे एनएसएस के वाईआरसी के विद्यार्थियों ने हमारे प्रोफेसर्स ने नशा के क्षेत्र में अन्नमय कोष की बात चल रही है उस अन्नमय कोष को सुधारने का प्रयास किया है। प्रैक्टिकल बात कही जा रही है, आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं नशे के द्वारा जो नशा जिस तरीका से गांवों में बढ़ गया था बहुत ज्यादा पैसा होने के कारण उस पर हमारी संस्था ने काम किया। दूसरी बात रक्तदान के लिए, रक्तदान के लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें चंदावली ग्राम के अंदर कंप्यूटर की कार्यशाला भी इसी के अंतर्गत खोली जा रही है। ये आनंदमय कोष की बात है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी प्रतिज्ञा नहीं। इस प्रकार की भावनाएं वृक्षारोपण विद्यार्थियों को जो बच्चे कमजोर विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने का काम और चंदावली काम हरियाणा के सबसे सुंदरीकरण गांवों में से एक माना गया है। यह अग्रवाल महाविद्यालय की देन है कि आर्थिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी अग्रवाल महाविद्यालय का चंदावली काम को आदर्श काम बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये आनंदमय कोष से लेकर के मनोमय कोष से लेकर के विज्ञानमय कोष से लेकर के अन्नमय कोष से लेकर के तमाम काम को हमने प्रयोग के आधार पर प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी की नवोन्मेष शालिनी की दूरदृष्टि के द्वारा इसका व्यक्त किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद पौधारोपण के लिए भी हमने बहुत बड़ा काम किया है। पौधे बहुत आदरणीय पंडित भूषण शर्मा जो विधायक और टेकन शर्मा जी थे उनके निर्देशन में यह पौधारोपण का बड़ा काम किया गया है और उनकी रक्षा सुरक्षा का भी कार्य किया गया है। हमारी मैनेजमेंट ने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इसके लिए दिए थे पौधारोपण के लिए। ये